हेलो दोस्तों, खेल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 40 के बारे में, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, मैच एनालिसिस एंड एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में। अगर आपको विनर प्रेडिक्शन चाहिए, सेशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्दी से मैच प्रीव्यू की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो दिल्ली कैपिटल्स पॉइंट्स टेबल पर नंबर 8 पर हैं। दिल्ली ने टोटल 8 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच जीते हैं और 5 मैच हारे हैं। इसी के साथ साथ गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल पर नंबर 6 पर हैं। गुजरात ने टोटल 8 मैच खेले हैं, 4 मैच जीते हैं और 4 मैच हारे हैं। तो इस मैच में कौन जीतेगा, मैच हाई स्कोरिंग रहेगा या लो स्कोरिंग, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को अच्छे से जरूर देखना। शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल के प्लेइंग 11 से। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ। उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत, मिचेल मार्श, अभिषेक पोरेल, त्रिशन स्टब्स, अक्षर पटेल, एनरिक नॉकजे, मुकेश कुमार, खलील अहमद एंड ईशांत शर्मा। दोस्तों, अगर हम दिल्ली कैपिटल की टॉप पिक्स की बात करें तो डेविड वार्नर जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। डेविड वार्नर को आप ड्रॉप कर सकते हो। पृथ्वी शॉ भी कुछ ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको 25 से 30 रन स्कोर करके दे सकते हैं। ऋषभ पंत बहुत ही शानदार फॉर्म में है, आपको ऋषभ पंत को जरूर पिक करना है। इसी के साथ साथ अभिषेक पोरेल ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है लास्ट मैच में। ऑलराउंड सेक्शन से आपको अक्षर पटेल को जरूर पिक करना है एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट से आपको खलील अहमद को जरूर पिक करना है। दिल्ली कैपिटल के प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस करें तो दिल्ली कैपिटल ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अपना प्रीवियस मैच खेला था। सनराइजर्स हैदराबाद ने 266 रन का टारगेट दिया। दिल्ली कैपिटल के लिए जेक फ्रेस्कर ने 65 रन का स्कोर बनाया है। इसी के साथ साथ ऋषभ पंत ने 44 एंड अभिषेक पोरेल ने 42 रन का स्कोर बनाया था। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाली हैं। कुलदीप यादव एक बहुत ही बड़े आपके लिए पिक रहने वाले हैं, आप कुलदीप यादव को पिक कर सकते हो। अक्षर पटेल ने 1 एंड मुकेश कुमार ने भी 1 विकेट निकाली थी। अब बात कर लेते हैं गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल। उसके बाद आते हैं केन विलियमसन, विजय शंकर, दर्शन आलकंडे, राहुल तेवटिया, नूर अहमद, राशिद खान, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन एंड मोहित शर्मा। दोस्तों, कुछ मैचों से केन विलियमसन जो है नहीं खेल रहे हैं। केन विलियमसन की जगह आपको रिद्धिमान साहा खेलते हुए नजर आएंगे। अगर हम यहाँ से टॉप पिक्स की बात करें तो शुभमन गिल जो है वो रेड हॉट फॉर्म में आपको नजर आते हैं। शुभमन गिल को आपको जरूर पिक करना है। इसी के साथ साथ साई सुदर्शन भी आपको एक डिसेंट स्कोर बनाकर दे सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में नूर अहमद जो है वो वापसी कर चुके हैं, आपको नूर अहमद को जरूर पिक करना है। इसी के साथ साथ स्पेंसर जॉनसन एंड मोहित शर्मा भी आपके लिए एक अच्छी पिक रहने वाले हैं। डिस्कस कर लेते हैं गुजरात टाइटन के प्रीवियस मैच के बारे में। तो गुजरात टाइटन ने खेला था पंजाब किंग्स के खिलाफ। पंजाब किंग्स ने केवल 142 रन का स्कोर बनाया था। अगर हम गुजरात टाइटन की बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो लास्ट मैच में रवि किशन, साई किशोर को जो है टीम में इंट्रोड्यूस किया गया था और उन्होंने 4 विकेटें निकाली थी। इसी के साथ साथ नूर अहमद और मोहित शर्मा ने 2-2 विकेटें निकाली हैं। अगर हम बैटिंग डिपार्टमेंट की बात करें, राहुल तेवटिया ने 36, शुभमन गिल ने 36 एंड साई सुदर्शन ने 31 रन का स्कोर बनाया था। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच टोटल मैच खेले गए हैं 3, जहां दिल्ली कैपिटल जीती है 1 मैच एंड गुजरात टाइटन जीती है 2 मैच। तो गुजरात का अपर हैंड आपको नजर आ रहा है एंड गुजरात इस मैच को जीत सकती है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये मैच जो है वो खेला जाएगा अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में। पिच जो है एक बैटिंग फ्रेंडली पिच जो है वो मानी जाती है। एक स्लो पिच जो है आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए स्पिनर्स को एंड स्लो बॉलर्स को काफ़ी मदद यहां पर मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों, आपको नूर अहमद और राशिद खान इन दोनों को अल्टरनेट टीम में ट्राई करना है। एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 180 रन का रहने वाला है। एक और इंटरेस्टिंग स्टैट जो है वो नज़र आता है, 85 मैच जो है वो इस पिच पर खेले गए हैं, 46 बार जो है वो टीम जीती है जिसने सेकेंड बल्लेबाजी की है। अगर हम गुजरात टाइटन और दिल्ली कैपिटल के बीच में प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस करें तो जो प्रीवियस मैच खेला गया था वो एक वेरी लो स्कोरिंग मैच जो है वो रहा था। गुजरात टाइटन ने केवल 89 रन का स्कोर बनाया है। राशिद खान ने 31, साई सुदर्शन ने 12 एंड राहुल तेवटिया ने 10 रन बनाए थे। इस मैच में दोस्तों मुकेश कुमार ने 3 विकेटें निकाली थी, ईशांत शर्मा ने 2 एंड त्रिशन स्टब्स ने भी 2 विकेटें निकाली थी। उसके बाद दिल्ली कैपिटल बल्लेबाजी करने उतरी थी और केवल 8 ओवरों में स्कोर को चेज कर दिया था। जेक फ्रेस्कर ने 20, शाय होप ने 19 एंड ऋषभ पंत ने 16 रन बनाए थे। यहाँ पर संदीप वैरियर जो है उन्होंने 2 विकेटें निकाली थी। तो दोस्तों, स्पेंसर जॉनसन की जगह संदीप वैरियर को गुजरात टाइटन जो है इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसी के साथ राशिद खान ने और स्पेंसर जॉनसन ने 1 विकेट निकाली है। अगर हम एडवांस प्रेडिक्शन के बारे में बात करें तो आपको एक हाई स्कोरिंग मैच देखने के लिए मिल सकता है। 80% सेशन में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको फुल प्रेडिक्शन चाहिए और सेशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में।